अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मदर एंड राइला ब्लॉग। तो क्या बोलते हैं, कंपनी कमाए है, कमाएंगे बहुत मनी इंशाल्लाह। और हलीम भाई का डायलॉग चलते रहो, चमकते रहो। और अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि कल आपको हम लोग ने बताए थे कि इंशाल्लाह हम लोग न्यास करेंगे अल्लाह के करम से। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पर ही, और मैं सोच रहा हूँ ये ब्लॉग में राहिला को एक अचानक से एक चीज़ बोल दूँ कि राहिला न्याज में तुमको भी पैसा देना चाहिए। तो मैं दे रही हूँ, दे रही हूँ। वाह, वही तो पैसे निकालने के लिए बैठी थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज चांद कहाँ से निकला है? आसमान से। आसमान से नहीं निकलता है चांद, जमीन से भी नहीं निकलता है चांद, नहीं समंदर से भी नहीं निकलता है, तो कहाँ से निकलता है? चांद दुनिया के बाहर ही रहता है। सॉरी सूरज, मैं सूरज बोला ना, सूरज में नहीं, नहीं के दुनिया के मीनाश भाई के वहाँ से। अरे बाप रे, देख रहे मीनाश भाई क्या वो दे रहा है? लाओ दे दो, तुम कितना दे रहे? ये जो है तुम्हारे कितने? हाँ जमा करना पड़ेगा, ये जो तुम्हारे थे वो 5,000 रुपये मेरी तरफ से जो मेरे जमा करे हुए थे। बाप रे, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो अच्छा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे बटियाले वाले के पास। और एक्चुअली हम लोग आ रहा है गुस्सा, क्यों हम लोग बनाते सिराज भाई से? हाँ। बना रहे सिराज भाई से ही है। हाँ। बस सिराज भाई गांव जाकर बैठ गए, तो उनके कारीगर बनाएंगे अभी। क्या कर सकते, सिराज भाई को गांव से तो उठा के नहीं ला सकते ना। वो अगर यही हफ्ते में आए होते तो हम लोग एक दो दिन और आगे कर देते कि सिराज भाई के हाथ का ही चाहिए, बट कोई नहीं, उनको शायद अभी तो गए हैं वो। हाँ गाइस, वाकई में पिछले बार भी जब अभी भी हम लोग उससे बनाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाता है पुलाव। पुलाव में तो बहुत अच्छा है, दाल गोश में भी। तो हर बार हम लोग उनसे ही बनाते न्यास। तो हाँ, तो अभी वो भाई साहब गए हैं गाँव, तो अभी कैसा क्या फर्क हो जाता है कारीगरों में, मतलब टेस्ट का। तो अभी देखते हैं, वो भाई को बुलाए तो है, देखो आ गया। जादू है वो, ऐसे मसाले डालते हैं। कैसे जादू है वैसे मसाले डालते हैं। हाँ, डालते ऐसे ही डालता है ना, टेक में डाल रहा था। मैंने देखी थी, डाला था और ऐसे 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 हर टेक में। और क्या बोलना चाहोगे? बस कुछ नहीं, कुछ बोलोगे? मैं जा रही हूँ आज, बहुत दिनों बाद मेरी खाला के वहाँ पे। अच्छा, क्यों? मेरी भांजी की तबीयत खराब है, देखने। अबे किधर टिंगो हो तुम यार, ऊपर तक भी नहीं आ रहे। हाँ यार, ये इसके फालतू चाले चालू रहते। जो मैं ये बोलना चाहता था फिर से कि ध्यान रखो, स्टे सेफ। रोज बोलूँगा, मैं रोज बोलूँगा, नहीं रोज बोलूँगा जब तक वो, तो मैं अपने घर के मतलब जो भी है दुनिया में लड़की लड़कियाँ माँ बहनें उन लोग सबको बोल, उनके लिए बोलोगे ध्यान रखो, क्योंकि असल जमाना बहुत बेकार हो गया है ना। दिखावे पे रह गया। हाँ, और वो चीज को तो इन्फ्लुएंसर लोग को तो अलग बात में बोल रहा हूँ, ये लोग नहीं सब नहीं कोई नहीं डाल रहे। छोड़ो, जाने दो उन लोगों को, डालो उन लोगों को, इतना बढ़ावा दे रहे हो। हां फट्टू है, फट्टू उन लोगों को इतना बोल बोल के तुम बढ़ावा बढ़ावा दे रहे हो। अगर जिस दिन मेरे नाद में कोई लग जाओ लोग में से, छोड़ो मैं तुम्हें भी ना लगाऊं। मैं मेरी बात कर रहा हूं, तुम तुम्हारे पे आ जाओ, तुम तुम्हारा पल्लू सही कर रहे हो। वाह, हां नहीं क्या बोलता है, पैसा है पैसा है तो खाओ कैसा, मरु तो ले जाओ कैसा, क्या बात है। तो गाइस जाते हैं अभी मिलते। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, मालूम था मेरे को कोई तो आएगा, मालूम था मेरे को कोई तो आएगा, कोई आए नहीं आए, कोई तो आएगा मेरे को मालूम था। क्या बोलने का इन लोग को, बंदर की तरह कुछ रही। आई इधर मिल जल्दी जल्दी आ यार, तू इससे मिल जाएगा। हाँ मैं इससे मिलने आई हूँ, इससे मिलने नहीं आई हूँ, बीमार बच्ची से मिलने आई हूँ। तो देख कितनी बीमार पड़ी है, ले 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 ले। ऐसे बीमार है मंतो, सा मंतो कैसी है? आवाज ही नहीं निकल रही, आवाज ही नहीं निकल रही है। हाँ मैं सुनी तुम्हें बहुत अच्छा डांस क्लासेस में नाच रही है। हाँ मैंने तेरा उस पर देखी थी इंस्टाग्राम पे, पढ़ो नहीं इंस्टाग्राम पे देखी थी। अरे ये तो पढ़ो नहीं। तो भाई नाची की मदर को छोड़ के चले गए हैं, सो रही है, उसको दिखा नहीं सकती है, लेटी है वो, तो थोड़ा उठ के बैठेगी तो आप लोग को भी उससे मिलाती हूँ। उसकी तबीयत
दोनों सेम दिख रहे कल्लो कलर तो इतना का मेकअप जबरदस्त का धोख के आई हो। मैं मेकअप नहीं करता हूं। चलो गाइस ये तो बच्ची ना, मिलते आपसे। सो गाइस मैं खाला के वहां से उतर गई थी और मंतशा की बहुत तबीयत खराब थी, वो सोई रही थी, उठी रही थी, तो उसके लिए मैंने उसको बताई भी नहीं। मैं जब निकली वो सोई रही थी, तो गाइस प्लीज उसके लिए दुआ करो जल्दी अच्छी हो जाए बच्ची, इंशाल्लाह। है ना, इंशाल्लाह। इतनी मस्ती कर बच्ची, और आज गई थी तो पूरा टाइम सोती ही पड़ी थी वो, और उतर गए थे हम लोग वहाँ से, टाइम हो गया काफी। फिर हम लोग ने जैसे कि कल न्याज कर रहे, फाइनली कल न्याज है, हम लोग ने आज ऑर्डर दे दिए हैं, कल इंशाल्लाह मगरिब बाद न्याज है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सब काम वाम पड़ गया, तो सोचे तो घर जाने के पहले दरगाह पे सलामी दे देते और फिर घर चढ़ते है ना। हाँ। और कुछ कहना चाहोगे आप? बस, और हाँ इंस्टाग्राम पे ना मेरे को मैसेज भी आया, माशाल्लाह एक आईडी है, उसका आईडी का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आईडी का नाम है लब्बैक या रसूलुल्लाह, आईडी का नाम है वो बंदे की। वो भाई ने मेरे को मैसेज किए, उन्होंने बोले क्या, बोले भाई मेरे को भी नियाज में हिस्सा लेना है, तो भाई शायद ब्लॉग देख के आए हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया है बात के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बोले वो एक बहुत है। अल्लाह सब सुनता है देखता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह इसका अंदर सुनो देगा। हेलो तो चलो गाइस जाते हैं दरगाह पे सलामी देते हैं और फिर आपसे मिलते। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पे आ गए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि कल इंशाल्लाह से नियाज है और उसी के काम में बिजी थे, जो पहुंचाना था पटियाले को वो पहुंच गया है, इंशाल्लाह कल वो अपना दिन शाम के टाइम बना के रेडी कर देगा। और वैसे डब्बे बनाने पड़े ना, और अल्हम्दुलिल्लाह से डब्बे भी बनाए हैं जो बांटने के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बनाए। और जो सब्सक्राइबर आना चाहते हैं कल शाम को आ जाओ, या हम लोग इंस्टा पे डीएम करो, इंशाल्लाह आपके वहां भी पहुंच जाएगी। क्योंकि एक भाई ने हम लोग को डीएम किया था, वो बेचारे पैसे के लिए थे कि आप मेरे से भी ले लो, लेकिन उन्होंने बोले इतना ही काफी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बस ये ब्लॉग भी यही एंड कर रहे, क्योंकि गाइस अब जल्दी सोना है और कल से जो जल्दी उठना है। क्या भाषा दी रही, ये मेरा है ना, मेरा तहखाना है, यहाँ मेरा परफ्यूम छी का है, खोले तो खुशबू आ गई, वही तो है। देखो गाइस यहाँ सब है, तो अभी ये रूम बंद था ना, इसलिए स्मेल आ रही है। तो ये मेरा अलग से वो है, लेकिन रायला ने कब्जा कर लिया इसमें, क्या 70 रुपए है ना, तो मेरे भी इसमें, ये सब मेरे ऊपर वाले। हाँ वो तुम्हारा एलईडी सीडीस, छी गाइस बहुत ही गंदी बात आ रही थी, वो असल में रूम बंद रहता ना, क्योंकि यहाँ खिड़की नहीं है मेरे रूम में, है तो पीछे है ये वाली, लेकिन ये बंद रहती है ऐसी चालू, और उसमें भी पीछे गटर है। हाँ उसमें भी मतलब वहाँ चाली है, गटर है चाली। तो गाइस ये व्लॉग भी हम यही एंड कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।